समय में भी कई बार चर्चा हुई और आज के समय में कोई राज्य सरकार हेलीकॉप्टर प्लेन खरीदते नहीं है, क्योंकि खरीदने के बाद उसका मेंटेनेंस जो है ये सबसे कठिन काम होता है। अधिकांश राज्यों में राज्य सरकारें हायर करती हैं, लीज पर लेती हैं, और उसके द्वारा ही, चूंकि लीज पर लेने पर आपको उसकी देखभाल नहीं करना है, वही उसके मेंटेनेंस का काम करेगा। ये 500 करोड़ के खर्च करना, फिर उसके मेंटेनेंस पर खर्च करना, तो मुझे लग रहा कि कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव के दबाव में उनको लग रहा है कि वो 2023 में मुख्यमंत्री बनेंगे तो उनको जेट प्लेन से और घूमने की आवश्यकता होगी। अरे अब तो जेट प्लेन बिहार के बाहर ही न जाएगा, राज्य में तो हर जगह हेलीकॉप्टर जाता है, और एक या दो दो तीन तीन हेलीकॉप्टर आज तक हम लोग किराए पर लेकर काम चला रहे थे, क्योंकि किराए पर लेने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि उसको आपको मेंटेन नहीं करना है। और हमारा पुराना हेलीकॉप्टर इसलिए खराब हो गया कि हम लोग फिक्स उसकी उसको मेंटेन नहीं कर पाए, इसलिए मुझे ये उचित निर्णय नहीं लगता। इसलिए मुख्यमंत्री 24 की तैयारी में मुख्यमंत्री जुटे हैं क्या देश भ्रमण के? फिर से विचार करना चाहिए, और जो आशंका व्यक्त की जा रही है कि उनको देशभर का भ्रमण करना है, नरेंद्र मोदी के खिलाफ मरे हुए घोड़े को जिंदा करने के लिए विपक्षी एकता के नाम पर, इसका इस्तेमाल तो बिहार में होगा नहीं, इसका इस्तेमाल तो बिहार के बाहर ही होगा। 2024 की तैयारी में अन्य राज्यों में जाने के लिए ही इस हेलीकॉप्टर और इस हवाई जहाज का सर्वाधिक इस्तेमाल करेगा, शायद इसीलिए भी ये खरीदा जा रहा है। यात्रा पर फिर से निकल रहे हैं, ये देखिए उनको लगता है कि कैसे आंख मिलाएंगे, जिस नरेंद्र मोदी को उन्होंने धोखा दिया तो उनसे आंख मिलाना उनके लिए बहुत कठिन है। उनसे हाथ मिलाना, आंख मिलाना, अगल बगल में बैठकर किसी मीटिंग में भाग लेना, इसलिए उनको संकोच होता है, लगता है कि मैं किस मुंह से उनके सामने जाऊंगा, इसलिए वो जाने से बच रहे हैं। कब तक बचेंगे? अब कल प्रधानमंत्री बिहार के दौरे पर कभी भी जब आएंगे तो प्रोटोकॉल है कि मुख्यमंत्री को जाना चाहिए एयरपोर्ट पर, अब देखिए जाते चले जाते कि वहां भी किसी और को नहीं देता। ये लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं कि मुख्यमंत्री इस प्रकार की महत्वपूर्ण बैठकों में खुद न जाकर किसी और को भेज दे, ये उचित नहीं है। राहुल गांधी की तुलना राम से लोग सर, 23 के लिए कोई भविष्यवाणी यहाँ सरकार की? सर 2023 का साल बिहार के लिए भारी उथल पुथल का साल होगा। महागठबंधन का ही कोई व्यक्ति होगा तेजस्वी यादव होंगे, लेकिन नीतीश कुमार 2023 में बिहार के मुख्यमंत्री नहीं, इसलिए नीतीश जी ने जिस प्रकार धोखा देने का काम किया, इसे 2023 के भारी राजनीतिक उथल पुथल का वर्ष होगा। सर कल कैबिनेट में हेलीकॉप्टर और जेट खरीदने का प्रस्ताव आया है।